साल को स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले एक और सवाल देखते हैं, ब्रेक इवन का स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 3, वॉशिंगटन लिमिटेड। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रिक्वायरमेंट एक तो मांग रहा है कि कैलकुलेट, 10 नंबर का सवाल है, और कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ्स टू इनेबल WL टू पे द डिजायर्ड डिविडेंड। मतलब यहाँ पे डिजायर्ड डिविडेंड की कहानी है, कुछ सवालों में डिजायर्ड प्रॉफिट होता है, यहाँ पे एक डिजायर्ड डिविडेंड है। चलो सवाल पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज है। ये कह रहा है वॉशिंगटन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 140 मिलियन का पेड अप कैपिटल है। WLD इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ये एक बजटेड आपको PNL दे दिया है। सेल्स रेवेन्यू आपको दिया है ₹10,000 पर यूनिट और 168 मिलियन। मतलब आपको देखा जाएगा, मैं इसको डिवाइड कर दूं 10,000 यूनिट से तो 16,800 यूनिट्स का ये डेटा आपको गिवन है। सेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 21.2 मिलियन। 21.2 मिलियन की एक फिक्स कॉस्ट आपके पास यहाँ गिवन है, 127 में ये शामिल है। फिर आपको दे दिया GP, इसके बाद आपको दे दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, तो 16 मिलियन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जिसमें से 4.5 मिलियन जो है वो आपके फिक्स्ड है। ताकि बाद दो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे ही गिवन है। फिर से आपको दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, और टैक्सेशन का आपको दे दिया 30% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन दे दिया 17.5 मिलियन का। आगे इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी है। पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है एन एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट 2 months of the year 2018 shows that, जो बजट बनाया था उसके बरअक्स हमारे पहले 2 महीने में क्या हमारी कहानियां हुई वो बता रहा है हमें पॉइंट नंबर 1 में। सो कह रहा है ड्यू टू चेंज इन इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैव बिकम अवेलेबल इन द मार्केट एट मच चीपर प्राइसेस। मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो इम्पोर्टेड मशीन्स हैं वो काफ़ी सस्ती हो गई हैं मार्केट के अंदर। Consequently, it was decided to reduce the selling price to 9500 per unit with effect from 1st January 2018. मतलब साल के स्टार्ट से ही आपको अपना यूनिट 9500 पे बेचना पड़ गया, बरक्स के आपने अपना बजटेड PNL बनाया था कि 10,000 रुपये पे बिकेगा और 17.5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। बाकी कह रहा है कि 1500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब 2 महीने में आपने 1500 मशीन्स बेच दी। बाकी कह रहे ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018, मतलब ये भी साल के शुरू से, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज बाय 5%। मतलब खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 5% से इंक्रीज हो गई है। बाकी ये कह रहे हैं टू बूस्ट द सेल्स WL हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोमोशन कैंपेन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। मतलब एक और फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 5 मिलियन की। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है द डायरेक्टर्स ऑफ WL विशेस टू पे 5% डिविडेंड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसकी ख्वाहिश है कि 5% डिविडेंड में बांटूं, 140 मिलियन जो आपका फेविक पेड अप कैपिटल है उसका 5% में डिविडेंड बांटूं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक, एक आपका बैंक साथ एग्रीमेंट है, WL कैन नॉट पे डिविडेंड एक्सीडिंग 80% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। आफ्टर टैक्सेशन मतलब अगर मैं 140 मिलियन का 5% निकालूं तो ये मेरा कोई बनता है लगभग 7 मिलियन। अगर मेरी कहानी बिल्कुल सही होती तो 17.5 मिलियन में से मैं इसका 7 मिलियन तो आराम से पे ऑफ कर देता। मगर अब मेरे पास सिचुएशन अलग हो गई है। क्यों अलग हो गई है? सेल्स प्राइस मेरी चेंज हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ गई है, ऊपर से वहाँ पर एक बैंक की एग्रीमेंट की कहानी है। तो चलिए हम उसको जरा देखते हैं कि हमें करना क्या क्या। एक तो मुझे एक डिजायर्ड डिविडेंड देना है, प्लस मैंने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। तो उसके लिए पहले मैं एक आपका देखता हूं कि मेरे पास जो आपने डिविडेंड देना है वो कितना देना है। डिविडेंड आपने देना है 140 मिलियन है आपका। इसका 5% आप विश कर रहे हैं कि आप इसका दे दें, ये 7 मिलियन। मगर ये 7 मिलियन जो है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन से 80% से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जितना भी हो वो 80% से एक्सीड नहीं कर सकता बैंक एग्रीमेंट की वजह से। मतलब अगर मैंने ₹100 का प्रॉफिट अर्न किया है आफ्टर टैक्स, तो मैं उसके अंदर से सिर्फ 80% मतलब ₹80 ही डिविडेंड बांट सकता हूँ, मैं ₹81 या ₹82 नहीं बांट सकता। तो बैंक एग्रीमेंट का मतलब आपका यही हुआ
तो बैंक एग्रीमेंट का अगर 70 मिलियन आपका 7 मिलियन अगर आपने देना है और ये 80% रिप्रेजेंट करता है, 80% से डिवाइड करूँ तो मतलब मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो चाहिए होगा वो 8.75 मिलियन। मतलब अगर मैं कहीं से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.75 मिलियन जनरेट करता हूँ तो मैं जाके इसका 80% जो मेरा बनेगा वो 7 मिलियन बनेगा, तो मेरा बैंक एग्रीमेंट की जो क्लॉज होगा वो सेटिस्फाई होगा। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब टैक्स रेट आपके पास कितना गिवन है, आपको टैक्स गिवन है 30%। तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं इसको नेट ऑफ टैक्स करूँ, नेट ऑफ टैक्स आपका कितना होता है 30%, तो आप उसको डिवाइड करें 70% से। अगर ये मेरा 70% हो तो मेरे पास जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो आएगा 12.5 मिलियन का। मतलब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए 12.5 मिलियन का, जिसका आप 30% कैलकुलेट करेंगे और आपका 70% जो है वो आपका बन जाएगा 8.75 मिलियन। ये तो आपका आ गया डिजायर्ड प्रॉफिट, आपको एक चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड पे करने के लिए आपको एक डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए। बाकी आपके पास आ जाती है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी आती है, फिक्स कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, हमें कोई अलग से डेटा नहीं गिवन इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 21.2 मिलियन की और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 4.5 मिलियन की हैं। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपके पास 21.2 मिलियन की, 21.2 मिलियन, एंड आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको गिवन है 4.5 मिलियन की। बाकी और कोई फिक्स कॉस्ट है? जी सर है, पॉइंट नंबर टू के अंदर। वो क्या है कि प्रोमोशन कैंपेन करेंगे ताकि मैं अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकूं। तो प्रोमोशन कैंपेन मेरी कितना कॉस्ट लग जाएगी, उसके अंदर 5 मिलियन लग जाएंगे, तो मेरे पास एक प्रोमोशन कैंपेन की फिक्स कॉस्ट आएगी, प्रोमोशन कैंपेन, तो वो आपके पास आ जाएगी 5 मिलियन की। तो टोटल ये जो आपके पास आएगा वो आएगा 30.7 मिलियन। मतलब प्यारे बच्चों, हमें एक तो डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12.5 मिलियन का जनरेट करना है, प्लस मैंने कवर अप करनी है क्या 30.7 मिलियन की फिक्स कॉस्ट। अरे मैं कवर अप कहाँ से करूँगा, ये मैं कवर अप करूँगा हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। अब इस सवाल के अंदर जो है ना, आपको हर चीज़ है ना 1 जनवरी से ही दे दी गई है। अगर सवाल में कुछ ऐसी चीज़ होती कि कोई चीज़ें चेंज हो रही होती 1 मार्च से या 1 फरवरी से या कोई और डेट से होता तो मैं उसका अलग, उसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से होता। मगर इस सवाल में जब मेरे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही डेटा पूरा चेंज हुआ हुआ है, तो मैं उसको पहले 12 महीने का ही कैलकुलेट कर लूँगा, फिर एंड में जाके जो मैंने 1500 वॉशिंग मशीन बेचे हैं वो मैं माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ्स, रिमेनिंग 10 मंथ्स के लिए हमें चाहिए। तो उसका चले पहले मैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना पर यूनिट वाइज देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास बजटेड यूनिट से मैं पर यूनिट का डेटा बनाता हूँ, पर यूनिट का डेटा मेरे पास बजटेड यूनिट्स कितने हैं, बजटेड यूनिट्स मैंने ऊपर कैलकुलेट किए थे आपके लिए, फिर मैं वापस यहाँ पे कर लूंगा। आपके पास 168 मिलियन की थी और 10,000 यूनिट की आपने प्राइस सोची थी कि 10,000 में बेचूंगा और 168 मिलियन है, 000 ऊपर 168 मिलियन है। तो आपने बजट किया था कि मैं 16,800 यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल आउट करूंगा। अब आपके पास क्या सीन हो गया, अब आपके पास ये हो गया कि आपकी सेलिंग प्राइस चेंज होकर 9500 हो गई, प्लस आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो गई 5%। मतलब ये पूरा डेटा जो आपको गिवन है, ये पूरा डेटा ये 16,800 यूनिट्स का है। तो अगर मैं इसको बायफर करके पर यूनिट पे लाऊं, सबसे पहली चीज़ मैं लाऊंगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अब आपकी 9500 हो गई है, 10,000 नहीं है। फिर आप आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे, आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपके पास दो वेरिएबल कॉस्ट हैं यहाँ पे, एक आपके पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास जो वेरिएबल है वो कितनी है, वो है आपकी 127 मिलियन में 21.2 मिलियन माइनस कर दूंगा क्योंकि 21.2 मिलियन के अंदर फिक्स्ड है। तो मेरे पास आ गई 127 मिलियन माइनस 21.2 मिलियन, ये मेरे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैंने करना है किससे डिवाइड, 16,800 यूनिट से। क्यों 16,800 यूनिट्स का मेरे पास वो होता,
मजीद इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल हमें बढ़ानी है कितने से 5%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं हुए, तो कॉस्ट ऑफ सेल में 5% से इंक्रीज कर दूंगा तो 1.05 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 6612.5। एक वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई है। दूसरी आपके पास आ गई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, आपके पास कितनी थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके पास 16 मिलियन में 4.5 मिलियन माइनस करके 16,800 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गई 16 मिलियन माइनस 4.5 मिलियन, जो भी आंसर है उसको आपने डिवाइड कर दिया 16,800 यूनिट से ताकि पर यूनिट की आ जाए। तो ये मैं अब राउंड ऑफ करके लिखता हूँ 684.52। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया वो आया 2202.98 का, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया। अब आपने क्या करना है, सब चीज़ें हो गई, आपने सिंपल अपना फॉर्मूला से खेलना है। फॉर्मूला आपका क्या था, आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स कह लो या नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। अब इसके अंदर आपके पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस आपके पास एक डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, ताकि आपको पता चले कितने यूनिट्स आपने सोल्ड आउट करने हैं। तो आपके पास जो फिक्स कॉस्ट थी मेरे प्यारे बच्चों वो आपके पास थी कितनी, आपके पास थी 30.7 मिलियन की। 30.7 मिलियन की आपने फिक्स कॉस्ट कवर अप करनी है इस कंट्रीब्यूशन से और 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको मैं जाके डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मैंने कैलकुलेट किया है 2202.98। तो इससे मेरा जो आंसर आया वो आया लगभग 19,609, तो राउंड ऑफ करके मैं इसको 19,610। बट ये है 12 मंथ्स का, ये मैंने पूरा 12 मंथ्स का डेटा उठाया है, मुझे चाहिए किसका 10 मंथ्स का। तो मैं इसमें क्या कर दूं, लेस यूनिट्स सोल्ड इन 2 मंथ्स, यूनिट्स सोल्ड इन फर्स्ट 2 मंथ्स, वो कितने हैं आपके पास, वो आपके पास ऊपर गिवन थे कितने कि आपने 1500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड कौन सा है, ये 2 मंथ्स का पीरियड जो आपको बता रहा है, फर्स्ट 2 मंथ्स का पीरियड। तो आपने इसमें 1500 माइनस किए तो आपके पास लगभग जो बच गए वो बचे आपके पास 18,110 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके सोल्ड आउट करने पड़ेंगे। पहले आपने कहा 16,800 का बजट बनाया था कि उसके बाद जाके आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अब आपने कितना बनाना है, अब आपने 18,110 प्लस 19,610 यूनिट्स टोटल पूरे साल में बनाना है और अगले 10 महीने में आपने 18,110 यूनिट्स बना के सेल आउट करने हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करते हैं, आपकी क्वेरीज को आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।